नमस्कार एंड हेलो, आप देख रहे हैं फिल्मी खबरों से जुड़ा हमारा खास शो बॉलीवुड गपशप। मैं हूं काजोल नारायण। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड गपशप। कंगना रनौत के शो लॉकअप में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले जिशान खान को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिशान के हिंसक व्यवहार के चलते उन्हें सजा दी गई है और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वैसे जिशान इससे पहले भी अपने हिंसक व्यवहार की वजह से एक रियलिटी शो से बाहर हो गए थे। कुछ खबरों की माने तो लॉकअप के ड्रिलर करण कुंद्रा ने जिशान को उनकी इस हरकत के लिए फटकार भी लगाई और फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिशान और आजमा के झगड़े पर कंगना ने भी रिएक्ट किया है और साफ लफ्जों में कहा था कि महिलाओं के खिलाफ वो इस तरह के व्यवहार को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगी। कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा था, मैंने लॉकअप में जिशान खान और आजमा फरहा के बीच हुई घटना को नोट किया और मेरा मानना है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म जयेश भाई जोरदार का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया। 2 मिनट 58 सेकंड के इस ट्रेलर में आपको कई जोरदार चीजें नजर आएंगी। फिल्म के नाम की ही तरह इसकी कहानी भी जोरदार लग रही है। फिल्म के ट्रेलर से ये साफ समझ में आ रहा है कि इसकी कहानी भ्रूण हत्या जैसे बेहद गंभीर मुद्दे को उठाती है। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत जयेश भाई यानी कि रणवीर सिंह के पिता के सरपंच बोमन ईरानी नजर आ रहे हैं। सरपंच के पास एक लड़की गांव के लड़कों की शिकायत करती है। सरपंच उल्टा लड़कियों को ही खुशबू वाले साबुन से ना नहाने की सलाह दे देते हैं। सरपंच की इन गलत बातों का दिल में तो जयेश भाई विरोध करते ही हैं, लेकिन सामने केवल हामी में सिर हिला देते हैं। ट्रेलर में जयेश भाई को कहते सुना जा सकता है कि उनकी दुनिया में किन किन बातों पर सिर हिलाना जरूरी है। अमिताभ बच्चन के नाते अगस्त नंदा जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद अमिताभ बच्चन ने अपनी हालिया पोस्ट के जरिए जाहिर की। अगस्त नंदा फिल्म द आर्चीज में नजर आएंगे। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाएगा। आपको बता देंगे इस फिल्म को जोया अख्तर डायरेक्ट करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में न सिर्फ अगस्त नंदा बल्कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर भी नजर आएंगी। हाल ही में फिल्म फ्लोर पर भी चली गई है। बता दें कि अगस्त नंदा श्वेता बच्चन नंदा और निखिल नंदा के बेटे हैं। अमिताभ ने अगस्त के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगस्त से तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और हम सब इस बात को लेकर बेहद खुश हैं। मेरी दुआएं, मेरा प्यार और मेरा बेस्ट विशेष हमेशा तुम्हारे साथ। तरक्की करो और सफलता के झंडे गाड़ो। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर अपने रिश्ते को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देख दीपिका पादुकोण चर्चा का विषय बन चुकी है। दीपिका पादुकोण का वीडियो इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रहा है जिसमें वो रणबीर कपूर के परफेक्ट गाने पर डांस करती नजर आ रही है। ये वीडियो वैसे तो साल 2014 के एक अवार्ड शो का है जो 8 साल बाद वायरल होता दिख रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस लहंगे में बेहद ही खूबसूरत लग रही है। दीपिका पादुकोण का अंदाज वीडियो में फैंस को खूब भा रहा है। इस वीडियो में दीपिका रणबीर कपूर की फिल्म ये जवानी है दीवानी का दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं। ये वीडियो साल 2014 में हुए IIFA अवार्ड शो का है और आईफा ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। इस वीडियो को काफी लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं। सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई कर रही है। रिलीज के 5वें दिन भी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कारोबार किया। दर्शकों से मिल रही तारीफों का असर फिल्म की कमाई पर साफ देखने को मिल रहा है। फिल्म ने पहले 4 दिनों में ही कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए और 5वें दिन भी कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। वहीं 5वें दिन की कमाई के मामले में KGF 2 आमिर खान की फिल्म दंगल से आगे रही। दंगल ने 5वें दिन 23.09 करोड़ रुपए का ही बिजनेस किया था। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के मुताबिक KGF 2 ने रिलीज के 5वें दिन सोमवार को 25.57 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इससे पहले ओपनिंग डे पर गुरुवार को फिल्म ने 53.95 करोड़ रुपए का, वहीं दूसरे दिन शुक्रवार की को 46 करोड़ का और तीसरे दिन 42 करोड़ और चौथे दिन 50 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई काफी ज्यादा हो चुकी है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी मजेदार फिल्मी खबरों के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।